ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। ठीक है, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये यही हमारी डिवाइस है। ठीक है, इस डिवाइस के हेल्प से जनरली जो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमने ये अरेंजमेंट बनाया है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं शुरू से। देखिए, ये जो आपको इतना जो पार्ट दिख रहा है, ये नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट तो आपको जो मैंने पहला बताया था कैलोरीमीटर, जिससे हमने नाम दिया बैरल कैलोरीमीटर, सेम टू सेम वही है। ये वेगनिंग मशीन है, यहाँ पे कितना वेट है ये बताएगा, वेगनिंग मशीन हमारी वेट बताएगा, इस सिस्टम का वेट कितना है। ये वाटर्स हैं, हमें नोन अमाउंट ऑफ वाटर, ये जो है वाटर, हम नोन वाटर, ये हमें पता है कि हमने कितना वाटर इसमें रखा है, तौल के बकायदा रखा है। ये पाइप है हमारा, ये हमारा है मिक्सिंग बॉक्स, यहाँ पोरस है, जो भी स्टीम आएगी यहाँ से निकलकर इस वाटर में मिक्स होगी और कंडेंस होगी। ठीक है, कंडेंस होगी मतलब वो स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ ये बैरल कैलोरीमीटर नीचे वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाले पार्ट के बारे में समझते हैं। क्लियर, ये है सैंपलिंग ट्यूब। ये सैंपलिंग ट्यूब जहां से हम फॉर एग्जांपल किसी बॉयलर से हमें किसी उस बॉयलर में स्टीम जो है उस स्टीम की क्वालिटी पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सैंपलिंग ट्यूब को उस बॉयलर में पुट कर देंगे। सिंपली मैंने उस बॉयलर में डाल दिया, यहाँ पे बॉयलर में स्टीम है। अब क्या होगा, स्टीम जैसे हम पाइप लगाएंगे कनेक्ट करेंगे, तो बॉयलर से जो भी स्टीम होगा इस होल के कारण इस सैंपलिंग ट्यूब में हमारा स्टीम जो है इधर की ओर आने लगेगा। क्लियर है, स्टीम इधर की ओर आने लगेगा। ये जो बॉक्स है जिसको हम नाम दिए हैं आउटर चैम्बर, क्लियर है, ये हमारा है आउटर चैम्बर, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है इनर चैम्बर। ये जो लगा हुआ ये सेपरेटर है, ये प्रेशर गेज है, ये स्केल लगा हुआ है, ये वाल्व है। ठीक है, यहाँ पे भी एक वाल्व रहता है, बैरल वाल्व जिसको हम कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, नो ये हमने बॉयलर में कनेक्ट किया, स्टीम आया, क्या हुआ, स्टीम इस सेपरेटर में, स्टीम जैसे आकर टकराएगा वो कंडेंस होने लगेगा, तो ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे और इस वाटर जो हम ये भी जो वाटर हमने कलेक्ट रखा है इससे इनर चैम्बर में, जो हमने वाटर रखा है इस वाटर को हमने ऐसे स्केल से लगा रखा है कि हमें पता है इस लेवल तक वाटर है, और जब स्टीम हमने पाइप को कनेक्ट किया तो आफ्टर जब ये ड्रॉपलेट जब मिलेंगे इस वाटर से तब ये कितना वाटर ऊपर की हो जाएगा, तो स्केल में वो डेविएशन हमें दिख जाएगा। क्लियर है, ये छन कर जो भी सेपरेटर से स्टीम के में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे छन कर इसमें ये वाले वाटर में मिक्स हो जाएंगे, और जैसे जैसे वाटर इसमें मिक्स होते जाएंगे इसका डेविएशन यहाँ पे डेविएशन होता जाएगा। ठीक है, इस स्केल में डेविएशन पता चल जाएगा। आफ्टर डेट कुछ स्टीम, जितने स्टीम है उसके वाटर तो यहाँ सेपरेट हो गए, तो इसीलिए नाम है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। स्टीम में से वाटर ड्रॉपलेट्स हमने विद द हेल्प ऑफ सेपरेटर, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमने उनको सेपरेट कर लिया, बाकी के जो स्टीम है वो इधर से आएगा साइड वाले पार्ट से। तो इसी टाइम पे आप चाहो तो क्या प्रेशर रहा आफ्टर द कंडेंसेशन के बाद प्रेशर गेज से आप मेजर कर सकते हो। तो ये जो स्टीम है ये स्टीम इधर की ओर आया, वाल्व को ओपन किया, ये आया बैरल कैलोरीमीटर वाले स्टीम में, और ये स्टीम आके इसमें भी आकर कंडेंस हो गया। क्लियर है, तो ओवरऑल कैसे काम करता है ये आपको दिखता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं, तो कैसे हम इसके हेल्प से ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स मैं लिखूंगा, कुछ टर्म्स को आप ध्यान दें। ओके, नाउ यहाँ पे MW यहाँ पे क्या मतलब है, इस फॉर्मूला हम लिख रहे हैं मास ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम स्टीम, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं MW हमारा वाटर जो हमने नॉन वाटर लिया है यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे कितना सेपरेट हुआ है, मास ऑफ वाटर सेपरेट फ्रॉम स्टीम, स्टीम से
कितने अमाउंट ऑफ मास सेपरेट हुए वाटर ड्रॉपलेट जो बने हैं, इससे जो स्केल चेंज डेविएशन हुआ है, ये डेविएशन हमें बताएगा मास ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टीम। ये जो डेविएशन है ये बताएगा हमें कि कितना ड्रॉपलेट कितने सेपरेटर से कितने अमाउंट ऑफ जो भी वाटर मॉलिक्यूल थे स्टीम में वो आए हैं, एम डब्ल्यू। ठीक है, नाउ एम एस मास ऑफ स्टीम कंडेंस, एम एस मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड, ये कहां पर चलेगा, एमएस, एमएस की वैल्यू यहां से निकलेगी। क्लियर है, इस जो बैरल कैलोरीमीटर है यहां से आपको एमएस की वैल्यू निकलेगी। कैसे मास ऑफ स्टीम निकलेगी, इस ये पूरे डिवाइस है ठीक है का मास, मास ऑफ कैलोरीमीटर वाटर और जो स्टीम आगे जब इसमें वाटर से मिक्स होगा तो इसका पूरे का वेट वेंडिंग मशीन बताएगा, मास ऑफ कैलोरीमीटर जो सिस्टम है उसका वेट, मास ऑफ वाटर जो था उसका वेट और स्टीम जो आगे मिल गया उसका वेट, माइनस मास ऑफ कैलोरीमीटर और वाटर, कैलोरीमीटर और वाटर माइनस कर देंगे सी डब्ल्यू एस में से तो क्या बचेगा, मास ऑफ स्टीम बच जाएगा ना। तो यहां से हमें मिल जाएगा एम एस की वैल्यू, एम डब्ल्यू की वैल्यू, ये डेविएशन से हमें मिल गया। नाउ इन दोनों के हेल्प से आप ड्राइंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम, ओके मास ऑफ स्टीम जितना कंडेंस हुआ है अपॉन मास ऑफ स्टीम प्लस दिस मास ऑफ वाटर सेपरेटेड। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप ड्राइंग फ्रैक्शन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सेपरेटिंग कैलोरीमीटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने का। तो ओवरऑल चैप्टर टू जो हमारा है थर्मोडायनेमिक का यहाँ पे खत्म होता है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराया है चैप्टर टू का, जो भी हमारा था एंथैल्पी पे, प्योर सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज पे, थ्योरेटिकल पीटी डायग्राम, टीएस डायग्राम, ये सब मैंने आपको बता दिया है काफी कुछ। तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान आते हैं। ठीक है, स्टीम टेबल का यूज करना आपको आना चाहिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करना थर्मोडायनेमिक के, तो उसको आपको एक आध वीडियो आपको मिल जाएगा कैसे स्टीम टेबल को यूज करते हैं, या तो आप सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आपको फ्लैश मिलेगी हाउ टू यूज स्टीम टेबल। ठीक है, तो ये था ओवरऑल सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। तो आपको ये जो हमारे वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।